नमस्कार, मैं शिवानी शर्मा एक बार फिर हाजिर हूँ आपके शहर सहारनपुर की खबरों के साथ। आइए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की। पुलिस के रवैये से परेशान हुए पार्षद। जी हाँ, एक ओर जहां पुलिस के कार्यों की सराहना की जा रही है, वहीं मेयर संजीव वालिया की अध्यक्षता में आयोजित नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में लॉकडाउन के दौरान पुलिस द्वारा पार्षद और नगर निगम कर्मचारियों के साथ किए गए अभद्र व्यवहार की घटनाओं पर पार्षदों ने आक्रोश व्यक्त किया और सरकार को इससे अवगत कराकर शासन से कार्रवाई कराने की मांग भी की। सड़क दुर्घटना में हुई एक व्यक्ति की मौत। थाना चिलकाना के गांव पटना के समीप पीछे से आ रहे वाहन छोटे हाथी ने सड़क किनारे खड़े अमरदीप पुत्र मोतीराम निवासी परसागढ़ सालीरा को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से अमर सिंह बुरी तरह घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलने पर थाना प्रभारी अमित शर्मा ने राहगीरों की सहायता से घायल अमर सिंह को अस्पताल भिजवाया, लेकिन रास्ते में ही अमर सिंह ने दम तोड़ दिया। वहीं वाहन चालक मौके से फरार है। लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद लोग या तो पुलिस कर्मियों का धन्यवाद कर रहे हैं या फिर सामाजिक संस्थाओं का, लेकिन लेह लद्दाख से आए एक युवक ने क्यों किया चौधरी बंधुओं का धन्यवाद, देखिए हमारी इस वीडियो में। मेरा नाम सुखदेव कुमार है जी, मैं गांव कोला खेड़ी से हूँ, जिला सारंगपुर से। और हम लेह लद्दाख में गए हुए थे जी, वहाँ पे 16 आदमी थे हम, और लेह लद्दाख में फंस गए। तो हमने डीकॉम ऑफिस पे जा कई बार चक्कर लगाया तो हमारा पास नहीं बना। जाते रहे 14-15 दिन काम करा था हमने, तो हमें ठेकेदार ने और मालिक ने पैसे भी नहीं दिए, फिर हमारा हिसाब करके वहाँ से निकाल दिया। तो हमें इस करके पोलो ग्राउंड में अपना डेरा डाल दिया, वहाँ 4-5 दिन रहे और खाने के लिए पैसा भी नहीं मर पे। तो एक लद्दाखी आदमी ने हमें पैसे दिए, तो हम 16 आदमी थे, सबकी अलग अलग राय है जी। तो किसी एक ने कहा या नुके भैया हेल्पलाइन नंबर मिलाओ योगी हेल्पलाइन नंबर पे, तो हमने 10 बार ट्राई करा योगी हेल्पलाइन नंबर पे, तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं मिला। कह रहे आपकी बात ऊपर तक पहुँचा दी गई है और आपको जल्दी काम हो जाएगा। फिर क्या हुआ? उसके बाद बताओ फिर क्या हुआ? तंग फिर जी हम तंग आके मेरे पे फ़ोन नंबर प्रेक्षित भैया जी का था, चौधरी प्रेक्षित का, तो मैंने उनसे फ़ोन मिलाया, तो फ़ोन मिलाया जी। फिर फ़ोन मिला के उनसे बात करी, उन्होंने अपने ताऊ जी चौधरी रुद्र सेन जी और चौधरी इंद्र सेन जी से बात करी, उन्होंने कहा आपका काम हो जाएगा। मैं सहारनपुर डीसी ऑफिस में गए और हमारे लोगों का सबका पास बनाया, इनका भी और भी मेरे रिश्तेदार थे। तुम उनके लिए कुछ कहना चाहोगे तो सब? हाँ जी, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी, उन्होंने मेरा पास बनवाया। मेरे घर वालों ने तो मेरी आज छोड़ दी थी कि वो आएगा या नहीं आएगा, तो उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हम लोगों को सुरक्षित घर पहुँचाया हमारा पास बनवा के। चलिए नजर डालते हैं सहारनपुर पुलिस के सराहनीय कार्यों पर। ननौता पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे अभियुक्त साकिर पुत्रासित निवासी ग्राम आभा थाना ननौता सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया। साथ ही अभियुक्त गन अमित पुत्र अमर सिंह व सुमित पुत्र घसीटू निवासी ग्राम ठसका थाना ननौता को शराब बनाने की भट्टी में उपकरण गैस सिलेंडर आदि के साथ 50 लीटर रेक्टिफाइड शराब के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार नगर पुलिस ने पर्यवेक्षण में संदिग्धों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत गैंगस्टर एक्ट में वांछित एक अभियुक्त साजिद पुत्र यासिन निवासी ग्राम नवलपुर को गिरफ्तार कर जेल भेजा।